दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप वोडाफोन यूजर हैं तो आप अपने वोडाफोन के नंबर पर DND यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कंपनी की तरफ से काफी तरह के आलतू फालतू मैसेजेज आते हैं और कभी हम बिजी रहते हैं तो कॉल वगैरह भी आ जाते हैं और उसकी वजह से हमें काफी डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह के फालतू मैसेजेज वगैरह को DND सर्विस को एक्टिवेट करके आप हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने वोडाफोन नंबर पर DND एक्टिवेट करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों कि आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन को सर्च करना होगा, वोडाफोन लिख के आप सर्च कर दीजिए और जैसे आप सर्च करेंगे सबसे पहले नंबर पर आपको जो एप्लीकेशन मिलेगी माई वोडाफोन के नाम से, इसी को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेसिंग बताता हूँ कि आपको किस तरह से अपने वोडाफोन नंबर पर DND यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस को एक्टिवेट करना है। तो चलिए दोस्तों हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, तो इसके बाद में आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसके बाद आपको कुछ परमिशन वगैरह को अलाउ करना होगा, तो यहाँ से चलिए हम परमिशन को भी अलाउ कर देते हैं। इसके बाद आपको अपने वोडाफोन नंबर से यहाँ पर लॉगिन कर लेना। चलिए मैं अपना नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने वोडाफोन नंबर से यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। इसके बाद में आप नीचे की साइड में आपको चार ऑप्शन नजर आते हैं, माय अकाउंट, रिचार्ज, हिस्ट्री और मोर। तो आपको सिंपली यहाँ पे माय अकाउंट वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। जैसे आप माय अकाउंट पे टैप करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे मैनेज सर्विस सेटिंग का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो सिंपली आपको मैनेज सर्विस सेटिंग वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप करना होगा और इस पर टैप करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब यानी कि DND सर्विस का। तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिर से देना होगा। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ और इसके बाद में आपको यहाँ पे सेंड OTP के ऑप्शन पे टैप कर देना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी, उस OTP को आपको यहाँ पे डालकर वेरीफाई करना होगा। चलिए मैं वेट कर लेता हूँ OTP के लिए। चलिए हमारी OTP यहाँ पे आ चुकी है और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं वेरीफाई। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है, इसलिए मेरे सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है DND सर्विस इज ऑलरेडी एक्टिवेट ऑन दिस नंबर, वुड यू लाइक टू डीएक्टिवेट टू DND सर्विस। अगर आपको यहाँ से डीएक्टिवेट करना है तो सिंपली आपको डीएक्टिवेट पर क्लिक कर देना, लेकिन अगर आपके में ये एक्टिवेट नहीं होगी तो यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट की जगह पर आपको एक्टिवेट का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली आपको एक्टिवेट पर क्लिक करके DND सर्विस को अपने मोबाइल नंबर पर चालू करवा लेना है। और दोस्तों एक सिंपल सी स्टेप आपको फॉलो करना है, इसके बाद में आपके वोडाफोन नंबर पर DND की सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी और कंपनी के जो मैसेजेस कॉल वगैरह जो आपके पास आते हैं वो आना हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।